प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है पॉलीप्लॉइडी इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, यानी बहुगुणिता पादप प्रजनन के संबंध में, कि पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो बहुगुणिता है या पॉलीप्लॉइडी है उसका क्या उसके साथ संबंध है, क्या उसका उपयोग है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको अपने शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बहुगुणिता है या पॉलीप्लॉइडी है वो होती क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव जो होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है ना। जैसे अगर अपने अपनी बात करें तो हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। मटर की बात कर लें तो उसके अंदर कितने होते हैं भाई, 14 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसी तरह से गेहूं के अंदर कितने होते हैं भाई, 42 होते हैं, 42 क्रोमोसोम्स। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या हर एक जाति के अंदर या स्पीसीज के अंदर जो गुणसूत्र संख्या है या क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सामान्य गुणसूत्र संख्या या नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स। अब अगर गुणसूत्र संख्या विचलित हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सामान्य से अधिक हो जाए या कम हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, विचलित होना या डेविएट होना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भी, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता, ठीक है। अब ये जो पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता है इसको फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है एन्यूप्लॉइडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं असत्यगुणिता, और दूसरी होती है यूप्लॉइडी, या इसको हिंदी में बोल देते हैं सत्यगुणिता। तो ये क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी या असत्यगुणिता क्या होती है अभी, तो इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो एक जीनोम के अंदर जितनी गुणसूत्र संख्या होती है ना, कायिक कोशिकाओं के अंदर या सोमैटिक सेल्स के अंदर जो जीनोम होता है, जीनोम क्या होता है भी, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। जैसे अगर अपने बात करें तो हमारे अंदर जो हैप्लॉइड सेट है कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। तो हमारे जीनोम का साइज क्या है, 23 क्रोमोसोम्स या 23 गुणसूत्र। तो अलग अलग जाति के अंदर ये परिवर्तित होता रहता है। तो जीनोम के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो निश्चित होती है या क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अब यदि जीनोम के अंदर एक या दो गुणसूत्र, ठीक है, एक या दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो या तो बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं, या फिर कम हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भी, एन्यूप्लॉइडी या असत्यगुणिता, ठीक है। तो इसमें जीनोम के अंदर जो गुणसूत्र संख्या है उसमें एक या दो गुणसूत्रों का परिवर्तन आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो उसको बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी या असत्यगुणिता। ये जो एन्यूप्लॉइडी है ये ज्यादातर किसमें होती है भी, एनिमल्स के अंदर होती है या जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। प्लांट्स के अंदर अगर अपने बात करें, पौधों के अंदर बात करें तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही रेयर चांस है आपको एन्यूप्लॉइडी देखने के प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ज्यादातर ये एनिमल्स या जंतुओं में ही होगी। अब ये कई टाइप की होती है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी दे देंगे, कोई भी एक फॉर्मूला दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है। तो इसको अपने देखते हैं अभी। सबसे पहला है नल्लीसोमी, बिल्कुल आपको यही टर्म मिलेगी हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। तो नल्लीसोमी में क्या होता है अभी, 2N-2, इसका मतलब गुणसूत्र संख्या कितनी कम हो रही है, दो गुणसूत्र कम हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं हमारे अंदर, तो अगर 44 गुणसूत्र हो जाएं, दो कम हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगी, नल्लीसोमी कहलाएगी। दूसरा टाइप है मोनोसोमी, 2N-1, अगर एक गुणसूत्र कम हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं हमारे अंदर और अगर एक कम हो रहा है, 45 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोनोसोमी हो जाएगी। उसके बाद आता है डबल मोनोसोमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2N-1-1, अब ये 2N-2 क्यों नहीं लिखा हुआ, 2N-1-1 अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। तो होता क्या, अभी अलग अलग टाइप के, आपको पता होगा कि हमारा जो जीनोम होता है उसके अंदर गुणसूत्रों को संख्या दी जाती है ना। जैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो 1 से लेके 23 तक नंबरिंग दी जाएगी। अब मान लीजिए एक गुणसूत्र जो है वो 21 नंबर कम हो रहा है, एक 19 नंबर कम हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग शो किया जाता है या अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2N-1-1 से प्रदर्शित करते हैं इसको, और इसको क्या बोला जाता है, डबल मोनोसोमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है ट्राइसोमी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कितने गुणसूत्र बढ़ रहे हैं, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, 2N+1, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं तो अगर एक बढ़ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 47 यानी 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, तो क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। उसके बाद आता है डबल ट्राइसोमी,
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2n+1+1। अब अलग अलग प्रकार के जो गुणसूत्र हैं या अलग अलग नंबर के जो गुणसूत्र हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक 13 नंबर गुणसूत्र बढ़ रहा है, दूसरा एक 15 नंबर गुणसूत्र बढ़ रहा है, तो इसको क्या कैसे शो करेंगे, 2n+1+1 से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल ट्राइसोमी। ठीक है, और फिर आता है टेट्रासोमी, 2n+2। ठीक है, इस प्लस टू का मतलब ये है कि एक ही प्रकार का जो गुणसूत्र है वो बढ़ रहे हैं, है ना, दो बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 21 नंबर वाले दो बढ़ गए या 13 नंबर वाले दो बढ़ गए, तो एक ही प्रकार, एक ही नंबर के जो गुणसूत्र हैं वो अगर दो नंबर बढ़ रहे हैं उनके, तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी बोलेंगे। इन फॉर्मूलेज को रट लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद दूसरा टाइप इसका आता है यूप्लॉइडी या सत्यगुणिता। तो उसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं भी, नॉर्मली क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की या जीव की कायिक कोशिकाएं होती हैं या सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जीनोम की कितनी कॉपीज होती हैं, भी जीनोम की कितनी प्रतियां होती हैं, दो होती हैं। जैसे हम अपनी बात कर लें तो हमारे अंदर भी दो प्रतियां होंगी, पौधों के अंदर भी ऐसा ही होता है, दो प्रतियां होती हैं। लेकिन अगर जीव की कायिक कोशिकाओं में यानी ऑर्गेनिज्म की जो सोमेटिक सेल्स हैं उसमें जीनोम की दो से ज्यादा प्रतियां, है ना, दो से ज्यादा का मतलब कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, है ना, इस तरह से अगर दो से ज्यादा कॉपीज या प्रतियां जीनोम की उपस्थित हों सोमेटिक सेल्स के अंदर या कायिक कोशिकाओं के अंदर, तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, सत्यगुणिता या यूप्लॉइडी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो यूप्लॉइडी है ये हमें केवल और केवल प्लांट्स में ही देखने को मिलती है, केवल पौधों में ही आपको यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी। जंतुओं के अंदर अगर अपने बात करें, एनिमल्स के अंदर, तो इसका पूर्णतया अभाव होता है, यानी एनिमल्स में यूप्लॉइडी नहीं पाई जाती है। अब इसको आगे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरी है एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है इसको हिंदी में बोल देते हैं स्वबहुगुणिता, और एलो पॉलीप्लॉइडी को बोल देते हैं परबहुगुणिता। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। सबसे पहले ऑटो पॉलीप्लॉइडी या स्वबहुगुणिता क्या होती है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर जीनोम की प्रतियां जो है ना, जीनोम के अंदर मान लीजिए दो से ज्यादा प्रतियां हैं, तो इसका मतलब क्या है, बहुगुणिता है या पॉलीप्लॉइडी है। अब अगर दो से ज्यादा मान लीजिए 3 प्रतियां हैं और ये तीनों की तीनों कॉपीज या प्रतियां जो हैं जीनोम की वो एक ही जाति की हैं, ठीक है ना, एक ही स्पीसीज की हैं, तो इस प्रकार की जो पॉलीप्लॉइडी है वो क्या कहलाएगी, स्वबहुगुणिता या ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड, तो 3x, तो x क्या है भी, जीनोम है जो कि एक ही स्पीसीज से या एक ही जाति से आया हुआ है। ठीक है, चतुर्गुणित, टेट्राप्लॉइड, 4x से शो करेंगे इसको। पंचगुणित, पेंटाप्लॉइड, 5x से शो करेंगे। षटगुणित, हेक्साप्लॉइड, 6x से शो करेंगे। तो यहाँ पे x का मतलब क्या है भी, एक ही जाति के जीनोम, तो इसके अंदर 3 जीनोम है, इसके अंदर 4 है, फिर 5 और 6, इस तरह से जीनोम्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन सारे के सारे जीनोम एक ही जाति के हैं या एक ही स्पीसीज के हैं, तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी या स्वबहुगुणिता। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, इसको अपने आगे अप्लाई भी करेंगे। दूसरा है भी परबहुगुणिता या एलो पॉलीप्लॉइडी, है ना, एलो या पर का क्या मतलब होता है, दूसरी जाति या दूसरी स्पीसीज। तो इसमें क्या होगा भी, जो जीव की कायिक कोशिकाएं होंगी या ऑर्गेनिज्म की जो सोमेटिक सेल्स होंगी उसके अंदर जो जीनोम की कॉपीज होती हैं, यानी दो से ज्यादा जो कॉपीज होंगी, है ना, या मोर देन टू जो कॉपीज होंगी वो एक से अधिक जातियों से आती हैं, है ना, एक से अधिक कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं कभी कभी। तो इस प्रकार अगर जीनोम की प्रतियां या जीनोम की कॉपीज अलग अलग जातियों से आ रही हैं, अलग अलग स्पीसीज से आ रही हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, एलो पॉलीप्लॉइडी या पर बहुगुणिता बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्गुणित यानी टेट्राप्लॉइड, और इसको कैसे लिखेंगे, 2x1+2x2, 2+2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये टेट्राप्लॉइड हो गया, चतुर्गुणित हो गया। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है x1 और x2। अब ये जो 2x1 है, ये जो x1 है ये एक प्रकार का, एक यानी एक जाति से आया हुआ जीनोम है, और x2 जो है ये दूसरी जाति से आया हुआ जीनोम है। तो अगर इस प्रकार हम लोग इसको शो करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एलो टेट्राप्लॉइड या पर चतुर्गुणित बोल देते हैं। ठीक है,
दूसरा है अभी षटगुणित या हेक्साप्लॉइड, तो इसमें देख सकते हो आप इसको किस प्रकार से शो करेंगे, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। अब यहाँ पे x1 x2 x3 तीन अलग अलग प्रकार के जीनोम हैं जो अलग अलग जातियों से, तीन अलग अलग जातियों से या स्पीसीज से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पर षटगुणित या एलो हेक्साप्लॉइड। इसको आगे अपने एप्लीकेशन करेंगे, इसका उपयोग करेंगे बहुगुणिता का, उसके अंदर हमने देखेंगे इसको डिटेल के अंदर। तो इसको ध्यान से पढ़ना है अभी। नेक्स्ट है स्व बहुगुणिता उत्पन्न होने के कारण जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है उसके ओरिजिन के क्या कॉजेज हो सकते हैं या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अनियमित अर्धसूत्री विभाजन, है ना, या इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मियोसिस। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन अनियमित हो या मियोसिस एबनॉर्मल हो तो उससे होता क्या है, अभी जो युग्मक बनेंगे, है ना, जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, 2n टाइप के होंगे, 2n युग्मक या द्विगुणित युग्मक जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो द्विगुणित युग्मक किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, अनियमित अर्धसूत्री विभाजन से या एबनॉर्मल मियोसिस से डेवलप हो रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो जो भी युग्मक बनते हैं या जो भी गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस अनियमित हो जाए या एबनॉर्मल हो जाए तो 2n युग्मक यानी कि डिप्लॉइड या द्विगुणित युग्मक भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। युग्मक बन गए, अब क्या होगा, अभी फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। तो जब निषेचन होता है तो उस दौरान अगर कोई द्विगुणित युग्मक यानी डिप्लॉइड जो गैमेट है अगर वो किसी हैप्लॉइड गैमेट के साथ अगुणित युग्मक के साथ युग्मन कर ले या फ्यूजन हो जाए इन दोनों के बीच में, तो इससे जो जायगोट बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या त्रिगुणित होगा। तो इस ट्रिप्लॉइड जायगोट से आगे क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और वो भी कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और इस भ्रूण से जो आगे फिर पौधा विकसित होगा या पादप बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या त्रिगुणित होगा, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि जो एक द्विगुणित युग्मक है, डिप्लॉइड गैमेट जो है, वो दूसरे डिप्लॉइड गैमेट के साथ या द्विगुणित युग्मक के साथ संलयन कर ले या युग्मन कर ले। तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, भी एक जायगोट बनेगा जो कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड होगा या चतुर्गुणित होगा, ठीक है। इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड होगा। और उस एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा या पौधा बनेगा वो भी कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित होगा, ठीक है। तो अनियमित अर्धसूत्री विभाजन या एबनॉर्मल मियोसिस के कारण स्व बहुगुणिता या ऑटोपॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा जो कारण है वो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम। एक रसायन होता है या एक केमिकल होता है जिसका नाम है कोल्चिसीन, ठीक है। कोल्चिसीन जो रसायन है ये किससे प्राप्त होता है, भी लिलियसी फैमिली का या लिलियसी कुल का एक पौधा है कोल्चिकम ऑटमनेल। इसका नाम ध्यान में रखना है, बॉटनिकल नेम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्चिसीन रसायन जो है वो कौन से पौधे से आपको प्राप्त होता है। तो कोल्चिकम ऑटमनेल जो कि इसकी फैमिली क्या है, लिलियसी, ठीक है। अब कोल्चिसीन की खास बात क्या होती है, ये गुणसूत्रों का द्विगुणन कर देता है, है ना, यानी गुणसूत्रों की संख्या जितनी भी होती है उसको दोगुनी कर देता है, ठीक है। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे और कोल्चिसीन के उपयोग से हम लोग गुणसूत्रों को या क्रोमोसोम्स को कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे या उनका द्विगुणन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो केमिकल है या रसायन है ये किस प्रकार से गुणसूत्रों को द्विगुणित करता है या डबल करता है, तो ये क्या करता है भी, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, किस प्रकार का, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। तो माइटोसिस या कुछ जो समसूत्री विभाजन है उसके दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं या तर्कु तंतु बनते हैं। अगर आपने समसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसके अंदर तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु क्या करते हैं, अभी जो एस फेज के अंदर, एस प्रावस्था के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन से जो गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है उसको आधा करने के लिए, है ना, उसको आधा करने के लिए ये जो तर्कु तंतु हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं ये गुणसूत्रों को अलग अलग कर देते हैं, है ना, जिससे कोशिकाओं के अंदर यानी जो संतति कोशिकाएं होती हैं या डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या है, भी
जो काम है वो क्या है, गुण सूत्रों को अलग अलग करना या पृथक करना। तो ये जो कोल्चिसिन रसायन है ये करता क्या है, अभी तर्कु तंतुओं का निर्माण होने नहीं देता है, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ही नहीं। स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होगा, है ना, गुणसूत्र अलग अलग नहीं होंगे। तो जितने भी गुणसूत्र जो कि एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा द्विगुणित हुए थे वो उसी कोशिका के अंदर या उसी सेल के अंदर रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है या क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो हम लोग करते क्या, अभी जो कोल्चिसिन रसायन है इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त किया जा सकता है अभी, या तो बीजों से मिल सकता है हमें, कोल्चिकम ऑटोमिनल जो पौधा है इसके बीजों से हमें कोल्चिसिन मिल सकता है, या फिर इसके जो बल्ब्स होते हैं, है ना, बल्ब्स क्या है अभी, एक तरह का मॉडिफिकेशन है किसका, लीफ का, पर्ण का मॉडिफिकेशन है पत्ती का। तो बल्ब से या सीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल्चिसिन रसायन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। तो होता क्या है अभी, कोल्चिसिन एक तरह का एल्कलॉइड होता है। एल्कलॉइड क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक मेटाबोलाइट्स बोलते हैं इनको। ये जो कोल्चिसिन है ये कोल्ड वाटर के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, ये ठंडे जल के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है या घुलनशील होता है। लेकिन अगर हॉट वाटर ले रहे हैं, गर्म जल ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये कैसा होता है, अघुलनशील या इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो कोल्चिसिन रसायन के उपयोग से भी हम लोग पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता उत्पन्न कर सकते हैं। अब कृत्रिम रूप से अगर हम स्वबहुगुणिता या ऑटोपॉलीप्लॉइडी या आर्टिफिशियली रूप से हम लोग उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भी, एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हमें कोल्चिसिन रसायन का 1% विलयन लेना है, है ना, 1% सॉल्यूशन ले लिया हमने, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग जिस पौधे में स्वबहुगुणिता या जिस प्लांट के अंदर हम लोग ऑटोपॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करना चाहते हैं, उस पौधे का कौन सा भाग यूज़ किया जाएगा, तो उसके या तो बीज यूज़ किए जा सकते हैं, सीड्स, या फिर उसका प्लांटलेट, है ना, यानी बीज के अंकुरण से जो पौधा बनता है उसको प्लांटलेट बोल देते हैं, या फिर शूट एपेक्स ले सकते हैं, इसका जो प्ररोह होता है, शूट होता है, उसका एपेक्स भाग या शीर्ष भाग हम लोग काट सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी पार्ट जो है वो लिया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस सॉल्यूशन के अंदर या विलयन के अंदर डाल देंगे, और कितने दिनों तक रखना है, 1 से 10 दिनों तक, है ना, अधिकतम 10 दिनों तक रखा जा सकता है, और मिनिमम 1 दिन तक तो आपको इसके अंदर इनको डुबोकर रखना पड़ेगा या सबमर्ज्ड कंडीशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कोशिका विभाजन होगा या सेल डिवीजन होगा तो उस टाइम पे तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कोशिकाओं में डबल हो जाएगी या द्विगुणित हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मान लीजिए एक डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। अब द्विगुणित कोशिका में एस फेज के अंदर या एस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एस फेज के अंदर, तो देखो कितने क्रोमेटिड्स हो गए, इसके अंदर ये स्प्लिट हो गया, डबल हो गए, और ये भी डबल हो गए, टोटल कितने क्रोमेटिड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 क्रोमेटिड्स हैं टोटल। ठीक है, तो इस तरह की कोशिका क्या कहलाती है, टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित कहलाती है। अब इसमें माइटोसिस होगा या समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो आप लोग देख सकते हो, पहले इनके केंद्रक विभाजन करेंगे, है ना, इनके जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेंगे। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग केंद्रक के अंदर चले जाते हैं। तो ये वाला केंद्रक जो है वो भी डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा, और ये वाला केंद्रक या न्यूक्लियस है ये भी डिप्लॉयड या द्विगुणित हो जाता है। तो केंद्रक अलग अलग हो गए, अब इनका कोशिका का भी विभाजन हो जाएगा बीच में से और अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको कोल्चिसिन रसायन से उपचारित कर दिया या कोल्चिसिन से इसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है चतुर्गुणित या टेट्राप्लॉइड कंडीशन जो है ये परसिस्टेंट करती है या ये स्थायी हो जाती है परमानेंटली, क्योंकि समसूत्री विभाजन आगे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या जितने भी गुणसूत्र हैं वो एक ही कोशिका के अंदर, जितने भी क्रोमेटिड्स हैं वो एक ही न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है वो क्या कहलाएगा, टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित। तो इस प्रकार कोल्चिसिन रसायन के
उपचार से या ट्रीटमेंट से हम लोग गुणसूत्रों को डबल कर सकते हैं या उनका द्विगुणन कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुगुणिता का प्रभाव, जो पॉलीप्लॉइडी है उसका प्लांट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी सबसे पहला प्रभाव आता है महाकायता, या इसको गिगेंटिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पौधा है उसका साइज है ना, जो पॉलीप्लॉइड प्लांट होगा या बहुगुणित पौधा होगा उसका आकार बहुत ही ज़्यादा होगा और उसकी जो ओज है यानी विगर जो है वो भी बहुत अधिक होगी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, गिगेंटिज्म या महाकायता। तो पौधा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रभाव ये है। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है, अभी इसके अंदर जो बहुगुणित पौधा होगा या पॉलीप्लॉइड प्लांट होगा उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं या लीव्स होती हैं, इसके अलावा जो फ्लावर्स यानी पुष्प होते हैं, फल जो फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा बीज जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज बढ़ जाएगा। पत्तियों का साइज, पुष्पों का, फलों का, बीजों का आकार बढ़ जाता है ना, साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो संख्या है या जो नंबर्स है इनका वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो आकार या साइज बढ़ेगा इनका और संख्या या नंबर कम हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रभाव पड़ता है बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी का। इसके अलावा बड़े रंध्र व कोशिकाएं, जो स्टोमाटा है या रंध्र है वो बड़े आकार के हो जाते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में गैसेस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो कोशिकाएं होंगी या सेल्स होंगी वो भी बड़े आकार की हो जाती हैं या लार्ज साइज की हो जाती हैं। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ता है, अभी जो परागकण या पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुगुणित पौधों के या पॉलीप्लॉइड प्लांट्स के, वो भी लार्ज साइज के या बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो उर्वरता है, ठीक है, यानी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करने की जो क्षमता है वो फर्टिलिटी या उर्वरता कहलाती है। तो लैंगिक जनन करने की क्षमता इनमें कम हो जाएगी, तो इसका मतलब उर्वरता या फर्टिलिटी इनमें क्या हो रही है, कम हो रही है या उसका रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ रेट है या वृद्धि दर है पॉलीप्लॉइड प्लांट्स की या बहुगुणित पौधों की, वो भी रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। इसके अलावा इनके अंदर जो फ्लावरिंग है पॉलीप्लॉइड प्लांट्स के अंदर, जो पुष्पन होता है यानी पुष्पों का बनना जो होता है वो देरी से होता है। ठीक है, तो लेट फ्लावरिंग। इसके अलावा जल की मात्रा बढ़ने से जो वाटर का कंटेंट है वो बढ़ जाता है इनकी सेल्स के अंदर या इनकी कोशिकाओं के अंदर, इसीलिए कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बड़े साइज की हो जाती हैं। इससे होगा क्या, अभी इनका जो फ्रेश वेट है या ताज़ा भार है वो हाई हो जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन जो इनका ड्राई वेट होता है या शुष्क भार होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रभाव पड़ता है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता का। अब जो सुइटेबल प्लॉइडी लेवल होता है या उपयुक्त गुणिता स्तर होता है वो एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, कैसे परिवर्तित होगा, अभी जैसे मान लीजिए चुकंदर है जिसको बीट रूट भी बोल देते हैं, तो चुकंदर के अंदर ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है या त्रिगुणित अवस्था जो है वो उपयुक्त होती है। अगर यहाँ पे पेंटाप्लॉइड हो जाए या पंचगुणित हो जाए तो इसके अंदर ये सुइटेबल नहीं है या उपयुक्त नहीं है इसके लिए। इसके अलावा एक प्लांट और होता है टिमोथी ग्रास बोल देते हैं इसको, या टिमोथी घास बोल देते हैं। इसके अंदर प्लॉइडी लेवल कितना होता है, अभी उपयुक्त 8x से 10x तक। ठीक है, यानी ऑक्टाप्लॉइड से डेकाप्लॉइड तक, तो ये इसके लिए उपयुक्त या सुइटेबल प्लॉइडी लेवल है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जो सुइटेबल प्लॉइडी लेवल है वो परिवर्तित हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो ये कुछ प्रभाव हैं बहुगुणिता के या पॉलीप्लॉइडी के पौधों के ऊपर। उसके बाद लास्ट हम लोग इसमें करेंगे पादप प्रजनन में उपयोग, एप्लीकेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग। तो पादप प्रजनन के अंदर हम लोग पॉलीप्लॉइडी का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, अभी तो सबसे पहला इसके अंदर आता है अभी स्व त्रिगुणित पौधे, ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स। तो कौन कौन से पौधे हैं अभी जो स्व त्रिगुणित या ऑटो ट्रिप्लॉइड होते हैं, तो सबसे पहला आपने नाम सुना होगा इसका भी, बनाना या केला। तो केले का पौधा कैसा होता है, अभी त्रिगुणित होता है। अब त्रिगुणित होने का इसको फायदा क्या है कि इसमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता, तब तक इसके अंदर बीज नहीं बनेंगे, है ना, यानी इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके जो फल होते हैं बनाना के वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं या सीडलेस होते हैं।
इसके अलावा आता है तरबूज या वाटरमेलन। हम लोग जो यहाँ पर तरबूज खाते हैं उसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जापान के अंदर वाटरमेलन या तरबूज होता है उसमें जो फल होता है इसका, तरबूज का, उसमें बीज नहीं होते, तो वो बीज रहित या सीडलेस होता है उसका फ्रूट। तो जापान के अंदर ये देखने को मिलता है हमें। उसके बाद आया शुगर बीट या चुकंदर जो है। तो जापान व यूरोप के अंदर जो शुगर बीट है वो ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित हमें देखने को मिलती है। इसकी जो रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं वो बहुत ही बड़े आकार की होती हैं या लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है। लेकिन अपने जो इंडिया के अंदर जो बीट, शुगर बीट या चुकंदर उगाई जाती है उसकी जो रूट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो अगर रूट्स ज़्यादा लार्ज साइज की हैं, बड़े आकार की हैं, तो इसका मतलब जो शुगर प्रोडक्शन होगा या शर्करा का उत्पादन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा रहता है हमें। इसके अलावा टी या चाय, तो चाय की एक किस्म आपको ध्यान में रखनी है। टी या चाय का बॉटनिकल नेम क्या होता है भाई? कैमेलिया साइनेंसिस या कैमेलिया चाइनेंसिस भी बोल देते हैं इसको। इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, TV29, ठीक है। ये जो किस्म या वैरायटी है इसकी खास बात क्या होती है, ये सूखा रोधी होती है यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशंस आ जाएं, इसको इरिगेशन ना मिले, सिंचाई ना मिले, तब भी इस किस्म के जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो उपज है या यील्ड है वो बहुत ही अधिक होती है या हाई होती है, ठीक है। तो ये जितने भी प्लांट्स हमने देखे हैं ये कैसे हैं भाई? ऑटो ट्रिप्लॉयड हैं या स्वत्रिगुणित हैं। उसके बाद है स्वचतुर्गुणित पौधे या ऑटो टेट्राप्लॉयड प्लांट्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्लांट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मक्का या मेज। तो जो ऑटो टेट्राप्लॉयड या स्वचतुर्गुणित मक्का होता है उसके अंदर 43% विटामिन्स अधिक होते हैं, है ना। 43% जो विटामिन्स हैं वो ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, ये इसकी खास बात होती है। दूसरा है भी क्लोवर व बरसीम, क्लोवर एंड बरसीम, ठीक है। ये हम लोग इसलिए उगाते हैं फोडर के लिए या हरे चारे के लिए हम लोग इसको उगाते हैं, ग्रीन फोडर के लिए। तो ये ऑटो टेट्राप्लॉयड है, स्वचतुर्गुणित है, और इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो फूड यील्ड होती है या चारा उपज है वो बहुत ही अधिक होती है, यानी हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर इससे हरा चारा या ग्रीन फूडर मिल जाता है, ठीक है। एक किस्म है इसकी पूसा जायंट बरसीम, बरसीम की एक किस्म है पूसा जायंट बरसीम। ये इंडिया के अंदर या भारत के अंदर बहुत ही फेमस वेराइटी है या प्रसिद्ध किस्म, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है भी राई। तो राई भी कैसा होता है, ऑटो टेट्राप्लॉयड होता है या स्वचतुर्गुणित होता है। इसकी दो वेराइटीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि ऑटो टेट्राप्लॉयड होती हैं, एक तो है डबल स्टील और दूसरा है टेट्रापेटकस। तो ये दो जो किस्में हैं या वेराइटीज हैं इनकी जो यील्ड है या उपज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये हमें फायदा होता है इसका। नेक्स्ट प्लांट इसमें आता है हायोसामिस नाइगर। इसकी एक वेराइटी है हायोसामिस नाइगर जो है, ये भी कैसा है अभी ऑटो टेट्राप्लॉयड है। इसकी एक वैरायटी है HMT1 के नाम से जानी जाती है। इसकी खास बात क्या है अभी, इसका जो बायोमास होता है या जैव भार होता है वो 50% मोर होता है या 15% अधिक होता है, ठीक है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, और इससे जो हमें मेडिसिन या औषधि मिलती है वो 36% अधिक प्राप्त होती है या 36% ज़्यादा हमें मेडिसिन या औषधि इससे प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है अभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेटिवेरिया जिजानोइडिस, ठीक है। ये भी एक ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लांट है। इसकी एक वैरायटी आपको ध्यान में रखनी है अभी वेटिवर। तो वेटिवर जो किस्म या वैरायटी है इससे हमें सुगंधित तेल या फ्रेग्रेंट ऑयल प्राप्त होता है, कितना 11% मोर, है ना, 11% अधिक हमें सुगंधित तेल या फ्रेग्रेंट ऑयल जो है वो इससे मिलेगा। तो ये इसका फायदा है अभी, एक बेनिफिट है। तो ये हमने देखे ऑटो टेट्राप्लॉइड या स्वचतुर्गुणित पौधे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर चतुर्गुणित पौधे या एलो टेट्राप्लॉइड प्लांट्स, है ना। एलो टेट्राप्लॉइड मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीनोम हैं वो एक ही पौधे में आ रहे हैं, तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के जीनोम एक ही पौधे में उपस्थित होंगे। सबसे पहला है भी कॉटन, कपास, गॉसिपियम हिर्सुटम, है
है ना। एक तो ये होता है जिसको हम लोग दिस नॉर्मल भाषा के अंदर, सामान्य भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, नरमा भी बोल देते हैं, है ना। तो हम लोग जो नरमे की फसल उगाते हैं, हालांकि आज आजकल बीटी कॉटन जो उगाया जाता है वो नरमा ही है एक तरह का, उसकी बॉटनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम हिरसुटम है। इसी तरह से एक और होता है गॉसिपियम बारबिडेंस। तो ये दोनों की दोनों जो जातियां हैं वो कैसी होती हैं, कॉटन की एलो टेट्राप्लॉइड होती हैं या पर चतुर्गुणित होती हैं, ठीक है। इनको आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। दूसरा है सरसों या मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की तीन स्पीसीज हैं या जातियां हैं जो कि कैसी होती हैं, एलो टेट्राप्लॉइड होती हैं या पर चतुर्गुणित होती हैं। सबसे पहली है ब्रैसिका जुन्सिया। इसके अंदर दो तरह के जीनोम होते हैं, देखो एक तो है कैपिटल ए और दूसरा है कैपिटल बी, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रकार के जीनोम इसमें उपस्थित हैं। दूसरा है अभी ब्रैसिका नेपस, इसमें भी दो अलग अलग टाइप के जीनोम एक ही प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल सी, ठीक है। और तीसरा है ब्रैसिका कैरिनेटा, इसके अंदर भी क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के जीनोम उपस्थित होते हैं एक ही प्लांट के अंदर। तो ये कौन से हैं अभी, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो बी अलग प्रकार का जीनोम है और सी जो है वो अलग टाइप का जीनोम है, एक ही पौधे के अंदर या एक ही प्लांट में ये उपस्थित हैं। तो ये मस्टर्ड या सरसों की जो तीन स्पीसीज या तीन जातियां हैं ये कैसी हैं, एलो टेट्राप्लॉइड या पर चतुर्गुणित होती हैं। उसके बाद लास्ट आता है अभी पर षटगुणित पौधे या एलो हेक्साप्लॉइड प्लांट्स, जो कि बहुत ही कम होते हैं। और हम लोग जो गेहूं उगाते हैं या व्हीट हम लोग ग्रो करवाते हैं, इसकी जो क्रॉप या फसल उगाते हैं, तो ये जो गेहूं है वो कौन सा है, हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, या षटगुणित है। तो ये किस प्रकार का षटगुणित है अभी, पर षटगुणित या एलो हेक्साप्लॉइड है। इसका मतलब इसमें तीन अलग अलग प्रकार के जो जीनोम हैं वो एक ही पौधे के अंदर उपस्थित होंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है अभी, ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो इसमें तीन अलग अलग प्रकार के जीनोम आपको दिख रहे होंगे, कैपिटल ए एक प्रकार का जीनोम है, कैपिटल बी ये दूसरे प्रकार का जीनोम है, और कैपिटल डी ये तीसरे प्रकार का जीनोम है। तो अलग अलग तीन अलग अलग जातियों से या स्पीसीज से आए हुए जो जीनोम है वो एक ही प्रकार के पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, एलो हेक्साप्लॉइड या पर षटगुणित। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।